उमा ने सजाई चिता, कनक को हुई चिंता, बहन ने लगाया ग्रहण, उमा ने किया रिश्तों का दहन। स्टार प्लस की सीरियल तू सूरज में सांझ पिया जी में देखिए ये हाई वोल्टेज ड्रामा। एक बार फिर आज उमा अपने धर्म का ठेका लेकर बैठ गए हैं और अपनी खुद की बहन सरस्वती की जीते जी ही चिता सजा रहे हैं। हमारे घर में ऐसा कुछ हुआ है कि जिससे मैं नाराज हूँ और मैं इतना बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ अपनी बहन के प्रति, तो बस उसी काम सीक्वेंस शूट कर रहे थे अभी, जहाँ पर एक चिता है उस पर एक तस्वीर है जिसको मैं जला रहा हूँ और वो यादें वो सारा कुछ मिटा रहा हूँ अपने घर से अपनी जिंदगी से। कनक हमेशा की तरह अपने धर्म के ठेकेदार उमा को उनकी इस नासमझी को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उमा कनक की एक नहीं सुनना चाहते। उसे नहीं जला रहे ना, सिर्फ तस्वीर को जला रहे हैं। तो पर उमा शंकर वैसा भी कर सकते हैं शायद। कैसा? अभी आपका ये जो बर्ताव, उमा शंकर का जो बर्ताव आपने देखा, आपको आपको देख के नहीं लगता ये तो डायरेक्ट उमा शंकर अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर वहाँ एक लड़की होती? ये तो है कि उमा शंकर अपने धर्म, धर्म जहाँ पर उनको लग रहा है कि धर्म का उल्लंघन हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। दरअसल उमा की बहन सरस्वती को बनना था साध्वी, लेकिन पूजा के ऐन वक्त पहले सरस्वती घर छोड़कर फरार हो जाती हैं और उमा का पारा चढ़ जाता है अपनी बहन की इस कारस्तानी पर। आपका कैसे दिल नहीं मानता ना, ये दिल पे पत्थर रख के करनी पड़ती है चीज, तो इसलिए आप धर्म की राह पर चलो तब आपको पता लगेगा। कनक मैडम, आपके सैया तो आज बहुत गुस्से में हैं। कुछ करिए, अभी तो सिर्फ सरस्वती की तस्वीर का दहन कर रहे हैं, बाद में न जाने क्या क्या कर डालें। आज नहीं तो कल इन्हें समझा ही दूंगी, पर हार नहीं मानूंगी। ऐसे ऐसे मत बोलो, क्योंकि आफ्टर ऑल अभी उमा कनक के पति देव हैं और इन्हें सही राह दिखाना कनक का फर्ज है, ताकि ये एक बेहतर जिंदगी जी सके और इस अंधकार से बाहर आ सके। खैर, उमा और उनका धर्म, इनका कुछ नहीं हो सकता। लगता है मायूस होकर आपको ही इस घर से बाहर जाना होगा। हो सकता है तब तक उमा बाबू का गुस्सा भी शांत हो जाए और बिगड़ी हुई बात बन जाए। आज तक ब्यूरो।